मेरा कजन कराची से लाहौर घर वापस आया। तब मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। एक दिन हम घर की छत पर एक साथ बैठे चाय पी रहे थे, तो उसने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड का पूछा। तो मैंने उसे बताया कि मैं सिंगल हूँ। वो सुनकर बड़ा हैरान हुआ और फिर उसने मुझे एक लड़की का नंबर दिया। मेरे कजन के कराची वापस चले जाने के बाद मैंने उस लड़की के नंबर पर कॉल की और बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो लड़की कराची शहर की रहने वाली थी। मेरे कज़न ने मुझे बताया कि वो लड़की उसकी यूनिवर्सिटी की है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की है। वो अपनी यूनिवर्सिटी में किसी भी लड़के के साथ बात नहीं करती। मैं अपने कज़न के फीडबैक से बहुत ज़्यादा मुतमईन था। हम एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे और हर एक बात आपस में शेयर करने लगे। वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और हमने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। फिर एक दिन उसने मुलाकात का बोला, तो मैंने उसे कहा कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। अगली सुबह मैंने उसे कॉल करके बताया कि मैं कराची एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। वो तो जैसे खुशी के मारे चीखने लगी। और फिर हमारी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। मैं उसके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर गया था। हम एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। पूरा दिन साथ गुजारने के बाद मैं लाहौर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में वो मुझसे मिलने कराची से लाहौर आ गई। वो भी मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आई। मैंने उसे पूरा लाहौर घुमाया और फिर वो शाम की फ्लाइट से कराची वापस चली गई। अब दो मुलाकातों के बाद हम दोनों में बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी। जब मुझसे उसकी दूरी बर्दाश्त ना हुई तो मैंने अपना बैग पैक किया और कराची की तरफ निकल गया। वहां जाकर प्राइवेट जॉब करने लगा। वो लड़की मुझे अपने घर लेकर गई। उसने सबसे मेरा तारुफ करवाया। मैंने भी अपने घर बात कर ली। सबको पता चल चुका था कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने शादी के बाद कराची रहने का फैसला कर लिया था। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। उस लड़की का बाप जिंदा नहीं था, तो उनके घर के सारे मामलात उस लड़की का कजन देख रहा था। वो लड़का बाहर के मुल्क रहता था और उसने आकर हमारी शादी का फैसला करना था। एक दिन अचानक उस लड़की की अम्मी की तबीयत खराब हो गई और उस लड़की का कजन बाहर के मुल्क से पाकिस्तान वापस आ गया। उसने आते साथ ही आंटी से खुद के लिए उस लड़की का रिश्ता मांग लिया और उसकी अम्मी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब मैंने उस लड़की से बात की तो वो कहने लगी कि मेरे कज़न के हम पर बहुत एहसानात हैं। मेरे अब्बा के बाद उसी ने हमारे घर को बहुत संभाला है। ना तो मेरी अम्मी इनकार कर सकती हैं और ना ही मैं। वो गलत थी या सही मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दुनिया उजाड़ चुकी थी। मैं अंदर से टूट कर रेजा रेजा हो चुका था। मैं घर में इकलौता था। जो भी चाहा मुझे मिल जाता था, पर मोहब्बत के मामले में मैं हार चुका था। बेबसी की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि दिल कर रहा था कि पूरी दुनिया को जला दूं। फिर मेरे बाबा लाहौर से कराची आ गए। मैं अपने अब्बू के गले लगकर मुसलसल रोने लगा और मैंने अपने अब्बू से बोला कि प्लीज़ मुझे लाहौर वापस ले जाएं। और मेरे अब्बू मुझे लाहौर वापस ले आए। उस लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स की, पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल खामोश हो गया था मैं। बहुत दिल करता था उससे बात करने को, पर लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया। और ऐसा भी नहीं था कि मुझे उससे नफरत थी, बल्कि मुझ में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैं उसकी शादी की खबर सुनने को बहुत ज़्यादा डरता था, जबकि मुझे पता था कि उसकी शादी हो चुकी है। आज कई साल गुजरने के बाद भी मैं उसे बहुत ज़्यादा याद करता हूँ और मुझे यकीन है कि मोहब्बत का नाम सुनते ही वो मुस्कुरा कर मेरा नाम लेती होगी। याद आएगी हर रोज़, मगर तुझे आवाज़ न दूंगा। लिखूंगा तेरी कहानी, अगर तेरा नाम ना लूंगा।